यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड रहस्यों से भरी पड़ी है। जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा ब्रह्मांड के प्रति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड के असीम गहराइयों में खोते जा रहे हैं। कुछ हमने जाना है और बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र प्रसाद दांगी और आप हैं यूट्यूब चैनल वन ही जीवन के साथ। हमारे वैज्ञानिकों के नित नए खोजों ने ब्रह्मांड के कई राज से पर्दा उठाया है। आगे और भी कई रहस्य उजागर होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ब्रह्मांड के इन्हीं कुछ रहस्यों को आप सबों से शेयर करने जा रहा हूं। लगभग 13 अरब साल पहले बिग बैंग के कारण पल भर में विस्फोट हो गया और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इससे पहले ब्रह्मांड एक अणु जैसा छोटा था, परंतु इस विस्फोट से क्षण भर में उसकी साइज एक गैलेक्सी जितनी बड़ी हो गई। यह सब होने में 1 सेकेंड से भी कम का वक्त लगा। तब से आज तक ब्रह्मांड का साइज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अब हम आप सबों के बीच ब्रह्मांड के इन्हीं कुछ रहस्यों को बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। गैलेक्सी अर्थात आकाशगंगा या मंदाकिनी, यह तारों का एक विशाल समूह होता है। इसका आकार सर्पिल या घुमावदार होता है। ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में 1,00,000,000 से अधिक तारे हैं। नेब्यूला अर्थात निहारिका, ब्रह्मांड में गैस और धूल कणों से बना अत्यंत प्रकाशमानीय पिंड को नेब्यूला के नाम से जाना जाता है। हमारे आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे में ओरियन नेबुला स्थित है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में ओमेगा कैटाई जैसे कई नेबुलाएं स्थित हैं। सोलर सिस्टम, सूर्य और वे खगोलीय पिंड जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं, उसे सौर मंडल कहते हैं। अर्थात सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह तथा अन्य आकाशीय पिंड सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहे जाते हैं। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके ज्ञात 525 उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड। इन छोटे पिंडों में एस्ट्रॉइड अर्थात क्षुद्र ग्रह, कॉमेट अर्थात धूमकेतु, मेट्रार अर्थात उल्का इत्यादि शामिल हैं। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़कर मानव को सौर मंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार वर्ष लग गए। लोग सोचते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। परंतु सन 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह और पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद लोगों की धारणाएं ही बदल गई। सन अर्थात सूरज, सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान निहित है। इसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली भंडार सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, सूर्य है तो जीवन है। एस्ट्रॉइड अर्थात क्षुद्र ग्रह, ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 45,000 से अधिक है। इनका आकार 1 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के व्यास में है। एकमात्र ऐसा एस्ट्रॉइड फोरविस्टा है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मेट्रार अर्थात उल्का, रात में टूटते हुए तारे की भांति हमें प्रतीत होते हैं। ये वास्तव में ठोस आकाशीय पिंड हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगते हैं एवं चमकीली प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी ये टुकड़े पृथ्वी पर उल्का पात के रूप में गिरते हैं। इसमें लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थ होता है। कॉमेट्स अर्थात धूमकेतु, ये धूल कण गैस बर्फ आदि पदार्थों से निर्मित आकाशीय पिंड हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इसके सिर अर्थात हेड का निर्माण होता है। इसकी पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। टेम्पल, हेलीबॉब, हेली, होवर्स आदि धूमकेतु हैं।
हेली धूमकेतु प्रत्येक 76वें वर्ष में दिखाई पड़ता है। प्लैनेट अर्थात ग्रह। दोस्तों, अब हम अपने सौरमंडल के ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखने जा रहे हैं। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को प्लैनेट और हिंदी में उसे ग्रह कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सिरिस, प्लूटो, एरिस बौने ग्रह के रूप में हम उसे जानते हैं। मरकरी अर्थात बुध। यह सौरमंडल का सूर्य से सबसे निकट स्थित और आकार में सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में करता है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म तथा रातें बर्फीली होती है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। विनस अर्थात शुक्र। यह ग्रह सूर्य के क्रम में दूसरा तथा छठवां सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 12103 किलोमीटर है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। शुक्र का आकार और बनावट पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ने वाला आकाशीय पिंड है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अर्थ अर्थात हमारी पृथ्वी। बुध और शुक्र के बाद सूर्य के क्रम में तीसरा ग्रह है। व्यास के आधार पर सौरमंडल का यह पांचवां बड़ा ग्रह है। ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ मौसम संबंधी गतिविधियाँ संपादित होती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12714 किलोमीटर। पृथ्वी 107160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस परिभ्रमण गति के कारण वर्ष बदलते हैं, जबकि पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस घूर्णन गति के कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी अपने कक्ष तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के इस झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन आता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इस कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। मून अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का पांचवां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट और 11.5 सेकेंड में पूरा करता है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पर लिमनिटस नामक पर्वत भी स्थित है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 1/6 भाग है। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अधिक चमकदार पिंड चंद्रमा है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में मानव सिर्फ अब तक चंद्रमा पर ही कदम रख सका है। मार्स अर्थात मंगल। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से यह लाल दिखाई पड़ता है, इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका व्यास 6761 किलोमीटर है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स, जो एवरेज से 3 गुना ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। इस ग्रह पर जीवन होने की संभावनाएं हैं। मंगल के दो उपग्रह वाइकिंग, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जैसे अंतरिक्ष यानों ने मंगल के बारे में और भी अधिक जानकारी दी है। जुपिटर अर्थात बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर है। इसका व्यास 1,39,820 किलोमीटर है। यह लगभग 12 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं, इनमें से 10 किलोमीटर से कम व्यास के 50 उपग्रह हैं।
गैनीमीड केवल बृहस्पति का ही नहीं बल्कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 5268 किलोमीटर है जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। बृहस्पति के बारे में हमें कैसिनी अंतरिक्ष यान से बहुत अधिक जानकारी मिली है। सैटर्न अर्थात शनि ग्रह, यह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,20,000 किलोमीटर है। यह लगभग 30 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 62 है जिसमें से 53 का नामकरण किया जा चुका है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा तथा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की एक विशिष्ट वलय प्रणाली है जो 9 सतत मुख्य छल्लों तथा 3 असतत चाप से मिलकर बनी है। इस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों से कम है। शनि ग्रह के बारे में हमें कैसिनी अंतरिक्ष यान से अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। यूरेनस अर्थात अरुण, यह ग्रह सूर्य से 7वें स्थान पर है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है। उपग्रहों की संख्या 27 है। सूर्य की परिक्रमा करने में यह 84 वर्ष लगाता है। वायजर यान से यूरेनस के अध्ययन में मदद मिली है। नेपच्यून अर्थात वरुण, यह सौर मंडल का सबसे अंतिम स्थान पर स्थित ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में यह 165 वर्ष का समय लेता है। इसकी उपग्रहों की संख्या 13 है। वायजर अंतरिक्ष यान ने नेपच्यून के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों, हमारे साथ ब्रह्मांड की यात्रा कैसी लगी, इसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा भाग लगा तथा कहां कमियां रह गई, ये सभी बातों से हमें जरूर अवगत कराइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जल्द ही हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हंसिए, हंसाइए और मस्त रहिए। धन्यवाद।